दोस्तों, अगर पेटीएम और फ़ोनपे या दूसरे मोबाइल वॉलेट जो कि आप यूज़ करते हैं, अगर आपके भी उसमें से पैसे गायब हुए हैं, तो इन नए RBI नियमों के बारे में आप ज़रूर जान लें। पिछले साल कई ऐसे मामले देखे गए हैं जहां लोगों के मोबाइल वॉलेट यानी कि पेटीएम, फ़ोनपे और दूसरे PPI से अचानक ही पैसे गायब हो गए थे। इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए नियम बनाए हैं। नए नियम यूज़र्स को किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचाएंगे। RBI ने कहा है कि मोबाइल वॉलेट यूजर्स को ठीक ऐसी ही सुविधा दी जाएगी जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज़र्स को दी जाती है। तो चलिए नज़र डालते हैं कुछ ऐसे नियमों के बारे में जो कि RBI ने बनाए हैं। सभी मोबाइल वॉलेट प्लेयर्स को अब कॉन्टैक्ट नंबर देने होंगे जिससे धोखाधड़ी जैसे मामलों से बचा जा सके। ये सभी ट्रांजैक्शन SMS के लिए लागू होगा, यानी कि आपको अगर किसी चीज़ की रिपोर्ट करनी है तो आपके पास ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना ही ज़रूरी है। मोबाइल वॉलेट कंपनी जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजन और दूसरे को इस बात का ध्यान देना होगा कि यूजर्स SMS अलर्ट, ईमेल और नोटिफिकेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए मोबाइल वॉलेट कंपनियां 24 घंटे कस्टमर केयर की हेल्पलाइन सेवा भी अब शुरू करेंगी। अगर किसी यूजर्स के साथ कोई धोखाधड़ी होता है तो उसके लिए मोबाइल वॉलेट प्रोवाइडर जिम्मेदार होगा और यूज़र्स के पूरे पैसे को 3 दिनों के भीतर ही रिफंड करना होगा। इस मामले में अगर यूज़र्स को कोई शिकायत भी नहीं करता है, फिर भी वॉलेट प्रोवाइडर यानी कि कंपनी के मालिक को पैसे वापस करने ही होंगे। वहीं अगर किसी यूज़र्स ने 4 से 7 दिनों के भीतर शिकायत की और कुल राशि जो आपकी है वो 10,000 रुपये से नीचे की होगी, फिर भी कंपनी को रिफ़ंड देना ही होगा। अगर फ्रॉड को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट किया गया है तो रिफ़ंड को RBI के तहत करना होगा। सभी रिफ़ंड केस को कंपनी को 10 दिनों के भीतर सुलझाना होगा। तो वहीं कंपनी के साथ कोई विवाद है तो उसे भी 90 दिनों के भीतर ही ख़त्म करना होगा। अगर यूजर्स की शिकायत को 90 दिनों के भीतर नहीं सुलझाया गया तो कंपनी को पूरा रिफ़ंड चुकाना ही होगा। बता दें कि फरवरी 2019 के बाद बिना KYC वेरिफिकेशन के आप मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है जो मोबाइल वॉलेट का यूज़ करते हैं, जो पेटीएम और फ़ोनपे चलाते हैं, उनके लिए RBI ने उनके लिए कई सारे रूल्स बनाए हैं ताकि आपके वॉलेट से किसी तरह की चोरी ना हो और धोखाधड़ी ना हो। तो दोस्तों, ऐसी ही अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।